आज से जावा का अपना प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। और हमने कोड कुछ लिख रखा था, तो ये देखिए यहाँ तक हमने कोड लिख रखा था, जो कि कोड ये है। आप लोगों ने भी यहाँ तक तो बना ही लिया था, ये सारा कोड लिखा हुआ है। तो ये सब आपने बना लिया था, मैंने आपको दे दिया था इसका यूज़र इंटरफेस पेन ड्राइव वगैरह में। शायद इसका वीडियो शायद अपलोड हो गया है, जहाँ तक मेरे को समझ है। डिस्क्रिप्शन में इसका कोड मैं दे दिया होऊंगा शायद, और नहीं दिया होऊंगा तो मैं ये वीडियो जब अपलोड होगा मतलब कल, तो कल ही पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये कोड मिल जाएगा आपको। फिर से मैं रन करता हूँ, देखिए मुझे अगला काम ये करना है अब कि इस बटन पर क्लिक करें, इस पे, इन सभी बटन पर और इन बटन पर, मतलब टोटल चार बटन है, दो छः है, एक सात, इन सातों बटन पे हमें इवेंट अप्लाई करना है। अब एक्शन इवेंट अप्लाई करना है, तो कैसे अप्लाई होगा? आपने आप देखते आ रहे हैं कि हम इवेंट कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इवेंट अप्लाई करने के लिए हमें सोर्स होना चाहिए और लिसनर होना चाहिए। तो सोर्स कौन होगा? वो सारे बटन सोर्स हो जाएंगे। और लिसनर कौन होगा? तो यहाँ पे एक्शन लिसनर का इम्प्लीमेंटिंग क्लास लिसनर होगा। मैं यहाँ से मैं एक लिसनर, देखिए यहाँ पे ऐड स्टूडेंट फॉर्म है ये, तो मैं ऐड स्टूडेंट लिसनर करूँगा। लिसनर का स्पेलिंग क्या होगा? लिसनर जो भी है, लिसनर। मैं ज़्यादा इसमें नहीं फंसना चाहता कि स्पेलिंग में क्या होगा इसका। अब आप जानते हैं कि लिसनर में कौन इम्प्लीमेंटिंग क्लास का नाम होगा, एक्शन लिसनर। ये क्या मजाक है जी, इम्प्लीमेंट्स एंड एक्शन लिसनर, इसी इंटरफेस का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है हमें। अब यहाँ पे मैं माउस ले जाऊँगा थोड़ी देर, तो ये बोलेगा ऐड अन इम्प्लीमेंटेड मेथड, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब ये जो एक्शन परफॉर्म नाम का मेथड है, यही मेथड कॉल होता है कब? जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तब। तो हमने ये सोर्स बना दिया है, सॉरी ये लिसनर हमने बना दिया है। अब सोर्स का रजिस्ट्रेशन करना है हमें, तो जितने भी बटन्स आपने देखे उन सभी को मैं इन भीड़ में खोजूं, ये थोड़ा टफ कार्य है। खोज क्यों नहीं सकते, लेकिन खोज सकते हैं, आसान ही है, आसानी से खोजा जा सकता है, परंतु समय लगेगा। तो मैंने ये है उन बटन्स का नाम, देखो आप देखिए कि ए वाला बटन है, सेव बटन है, रीसेट बटन है, ऐड फोटो बटन है। तो इन्हीं सब बटन में हमें और नीचे आए तो ये सब बटन्स हैं, ये है बटन, देखिए ये बटन लिख रहे हैं माउस ओवर करने पे। तो मैंने भी ऐसे ही पता लगाया है कि यही बटन है, ऐड स्टूडेंट ए लिख करके कंट्रोल स्पेस में मारा, एल आई एस लिसनर इक्वल टू न्यू। अब लिसनर के अंदर हम यहाँ पे दिस कीवर्ड पास कर देंगे। क्यों? वो इसलिए हमें दिस कीवर्ड पास करना चाहिए क्योंकि एड स्टूडेंट इस फॉर्म के अंदर जितने भी कंट्रोल हैं, जैसे कोर्स, सेशन, कैटेगरी और ये सब टेक्स्ट बॉक्स वगैरह जितने भी हैं, उन सारे कंट्रोल को हमें एक्सेस करना है कहाँ पे? एड स्टूडेंट लिसनर के अंदर। तो एक्सेस करने के लिए हमें दिस पास यहाँ से करना पड़ेगा, परंतु समस्या ये है कि हमने दिस पास तो किया लेकिन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमने बनाया नहीं है अभी। तो बनाएंगे कैसे बनाएंगे, ये देखिए यहाँ पे माउस ले गया, फिर क्रिएट कंस्ट्रक्टर बोल रहे हैं। जैसे क्रिएट किया तो लिसनर क्लास के अंदर अपने आप यहाँ पे जो है बन गया। अब हमें क्या करनी है, इसको कॉपी करने का, यहाँ पे ऐसे करना है। ऐसे करने के बाद दिस ऐसे करेंगे, ऐसे हम यहाँ पे डेटा पास करेंगे। दिस से जो डेटा आएगा वो यहाँ पे आएगा और ये डेटा चला जाएगा इस वाले में, मतलब इस वाले में, और हम इसी के माध्यम से सारे टेक्स्ट बॉक्स को एक्सेस कर लेंगे। जैसे करके दिखाऊँ आपको, तो आप देखिए जैसे डॉट लगाएंगे ऐड फोटो यहाँ पे आ गया है,
जैसे हमें नेम चाहिए तो नेम वाला जे टेक्स्ट फील आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से करेंगे, आप जानते हैं इन सब में मैं अब समय नहीं बिताना चाहता। मैं आता हूँ सीधा यहाँ, ये बन के रेडी हो चुका है, अब हमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो सेव या सेवी सेव डॉट एड एक्शन लिसनर, एड एक्शन लिसनर मेथड हम जब कॉल करेंगे तो सोर्स का लिसनर से रजिस्ट्रेशन होता है। तो हमें एक्शन इवेंट लागू करने के लिए सिर्फ तीन स्टेप करने हैं। एक स्टेप ये करना है, हमारे पास सोर्स होना चाहिए, लिसनर होना चाहिए पहले से, तो हमारा ये सोर्स है और लिसनर एक क्लास है। तो हमें एक स्टेप करना है, सोर्स बना लेना है, मतलब बटन्स वगैरह का ऑब्जेक्ट बनाना है। दूसरा स्टेप है कि हमें क्लास बना लेना चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए लिसनर इंटरफेस को। हमारे केस में एक्शन लिसनर इंटरफेस है क्योंकि हम क्लिक इवेंट परफॉर्म करना चाह रहे हैं, आप कोई और इवेंट परफॉर्म करना चाह रहे होंगे तो कोई और लिसनर इंटरफेस होगा उसका। तो यहाँ पे पहला स्टेप होगा सोर्स, दूसरा स्टेप होगा लिसनर, तीसरा स्टेप होगा कि सोर्स का लिसनर से रजिस्ट्रेशन करना। तो ये लाइन से हमारा सोर्स के साथ लिसनर का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। बस कॉपी पेस्ट, इट्स कॉल्ड प्रोग्रामिंग। यहाँ पे सेव है, यहाँ पे हम रीसेट कर देंगे रीसेट, और बाकी इधर से कॉपी पेस्ट मारते हैं काई के लिए मेहनत करने का। मेहनत से कोई फायदा नहीं है टाइप करके यहाँ पे, अब इसलिए कॉपी पेस्ट फटाफट कर देने का ऐसे, और दो चार बार में कॉपी मारूं। 12 हो गया है। एड फोटो, इसको भी यहाँ पे पेस्ट करेंगे। सेव रीसेट हो ही गया है। सोर्स के साथ लिसनर का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो चुका। अब एक तो इसमें समस्या है, वो समस्या क्या है मैं आपको जुबान से बोल के बताऊं, इससे अच्छा कि आपको मैं दिखा दूं कि समस्या क्या है। यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ CLIC के, जिस भी बटन पे क्लिक होगा तो ये मेथड कॉल होता है, एक्शन परफॉर्म मेथड। और ये मेथड में हमने लिख दिया है सिस्टम टू डॉट डॉट प्रिंटलाइन के अंदर क्लिक। तो आप देखना क्लिक मेथड, सॉरी क्लिक प्रिंट होगा कंसोल पे। मैं इसको ऊपर करूँ, अब आप देखिए मैंने इस पे क्लिक किया, क्लिक्ड आ गया। इस पे क्लिक किया, ये तो कुछ ना हो रहा है, ओ प्रिंट हो रहा है, बस थोड़ा टाइम ले लिया। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ओ कैटेगरी, इस बटन पे एक्शन परफॉर्म नहीं हमने कर पाया। सेव पे क्लिक किया, हो रहा है। रीसेट पे क्लिक किया, प्रिंट हो रहा है। हमने इस पे जो है नहीं लागू कर पाया शायद, कैटेगरी सर्टिफिकेट वाला है ये। बात सच है, हमने कैटेगरी वाले को नहीं किया था, ये है कैटेगरी वाला। तो बस सिंपल सी बात है, ये भी हमारा रेडी हो गया। अब मैं फिर से रन करता हूँ प्रोग्राम, अब सारा काम करेगा। आप देखिए ये काम कर रहा है, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि ऐसे कैटेगरी सारा काम कर रहा है। यहाँ पे समस्या ये है कि हम आइडेंटिफाई कैसे कर पाए कि किस बटन पे क्लिक हुआ है, क्योंकि इस बटन पे क्लिक हो तो डेटाबेस में डेटा सेव होना चाहिए, इस बटन पे क्लिक हो तो इस यहाँ पे हमें इमेज अपलोड करने का ऑप्शन आना चाहिए, यहाँ पे हमें सर्टिफिकेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बटन के लिए हमें अलग अलग टास्क परफॉर्म करना है। तो हम पता कैसे लगाएं कि किस बटन पे अभी क्लिक किया जा रहा है? यदि हम पता लगा लेते हैं कि किस बटन पे क्लिक किया जा रहा है तो हम काम अपने कार्य करने में सक्षम होंगे। पता कैसे लगाएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहला ई लिखेंगे और डॉट गेट एक्शन कमांड, इस पर मैं क्लिक करते प्रिंट करता हूँ। ये वाला जो ई है, यहाँ पे बटन्स का ऑब्जेक्ट आते हैं, आप देखना। मैं ई को प्रिंट कर दिया,
मैं रन कर, ये देखो आप, इस पे क्लिक किया, ये बटन्स का ऑब्जेक्ट यही आ रहा है, ये देख लो आप, ये जो आ रहा है ये अपलोड, और हमने अपलोड इमेज यहाँ पे आ रहा है। क्यों? वो इसलिए आ रहा है अपलोड इमेज क्योंकि मैं जब यूजर इंटरफेस बना रहा था उसी टाइम पे मैंने सेट कर रखा था एक्शन कमांड। ये देखो आप, इमेज अपलोड, यहाँ पे एक्शन कमांड सेट किया था मैंने। अब और देखिए और क्या आएगा एक्शन कमांड वाले में, बाकी में तो मैंने नहीं सेट किया है। तो अब आप देखिएगा, इस पे क्लिक किया मैं तो कैटेगरी आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो लिखा है वही आ रहा है इसमें। ये देखो आप, ये देखो आप, ये देखो 12, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा है सेव, मतलब यहाँ पे सेव लिखा है, यहाँ पे सेव लिखा है, वही सेव यहाँ पे आ गया, स्ट्रिंग के फॉर्म में आ रहा है ये। ये देखिए रीसेट पे क्लिक किया तो रीसेट आ गया। अब यहाँ पे दो दो प्रिंट हो रहा है, मतलब एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, एक बटन का टेक्स्ट आ रहा है, लेबल माने जो बटन पे लिखा हुआ है वो आ रहा है। तो इसका कारण यह है कि हमने ऑब्जेक्ट को प्रिंट रखा है। अब आप चाहें ऑब्जेक्ट के जरिए कंपेरिजन कर लें, जैसे ई डबल इक्वल टू, आप चाहें तो इस तरह से कंपेरिजन कर सकते हैं, इस तरह से। इस तरह से आप कंपेरिजन कर लीजिए। सेमीकॉलन डॉट गेट सोर्स, गेट सोर्स, हाँ ऐसे आप गेट सोर्स लिखेंगे तो आ जाएगा। गेट सोर्स का मतलब होता है कि सोर्स बटन। यहाँ पे गेट सोर्स भी मैं प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सेव, यस वाई यस वाई यस। क्या मजाक है, यहाँ पे लिख देता हूँ सेव। इसको किनारे लाते हैं, सेव बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे सेव लिखा गया और यहाँ पे आ रहा है सेव। क्यों? गेट सोर्स हमने क्लिक किया तो ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट का नाम आ रहा है यहाँ पे। इस पे क्लिक करेंगे तो आ रहा है अपलोड इमेज, ये देखो बटन आ रहे हैं। तो वही बातें हैं। तो आपके पास ऑप्शन दोनों है, या तो आप इस तरह से कंपेरिजन करें, या तो दूसरा कैसे कंपेरिजन करें, आप इस तरह से कंपेरिजन करें, गेट एक्शन कमांड डॉट ई क्यू इक्वल्स, इक्वल्स में क्या कर दें ऐसे भी, यहां पे भी मैं प्रिंट करता हूं और यहां पे लिखता हूं ऐसे, रन किया, मैं सेव पे क्लिक करता हूं, यहाँ पे सेव आ गया, इस पर क्लिक करूँगा कुछ नहीं आ रहा है। तो हम इस तरह से अब ट्रेस कर पाएंगे कि किस बटन पे क्लिक किया गया है। तो बस हमें यही लॉजिक लिखना है, लेकिन कैसे मदद से नहीं लिखेंगे, हम स्विच केस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ई डॉट गेट एक्शन कमांड और फिर वैल्यू में हमें डिफॉल्ट की जरूरत नहीं है, बस अब यहां से हम कॉपी करेंगे। थोड़ा समय लगता है इसलिए मैंने वीडियो को रोक लिया, और यहां से जस्ट हम अब कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। ये मैंने क्या टाइप किया, कैसे टाइप किया, मैंने कुछ भी नहीं टाइप किया है। गेट एक्शन कमांड उठा लिया मैंने एड इमेज वाले से, और बाकी जो भी टेक्स्ट बटन के ऊपर लिखा हुआ था मैंने एग्जिट इज वही टेक्स्ट राइट किया हुआ है, और मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है। अपलोड इमेज मैंने गेट एक्शन कमांड में लिखा था।
केस ब्रेक। सेव ए वाला सेव यहाँ पे है और यहाँ पे है रीसेट। ये आखिरी है, यहाँ पे ब्रेक की जरूरत ही नहीं है। अब क्या जाएगा आगे? तो हमने लिख दिया कि यदि गेट एक्शन कमांड में कैटेगरी मैच वाला हो रहा है तो ये चलेगा, ये केस चलेगा, ये मैच करेगा तो ये केस, 10 मैच करेगा तो ये केस चलेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एसओपी के अंदर यहाँ पे कैटेगरी के टे जो भी है, मतलब राइट क्लिक करता हूँ मैं और रन करता हूँ प्रोग्राम। ये देखिए बटन्स में जो मैंने यहाँ पे लेबल डाला था ना, यही मैंने वहाँ पे कॉपी पेस्ट करा था टेक्स्ट नोटपैड में। ये देखो अब इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे प्रिंट हो गया। बाकी का काम नहीं करेगा क्योंकि बाकी मैंने केस लिखा नहीं। यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है यही मैंने यहाँ पे पेस्ट करा हुआ है। कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे, बाकी जगहों पे, यहाँ पे। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसी नाम से मेथड बनाऊंगा इस तरह से और सेमी कॉलन। अभी एरर दे रहा है, मैं इसी पे क्लिक करूंगा और क्रिएट मेथड कर दूंगा। मेथड क्रिएट हो गया होगा। कहाँ पे हुआ होगा मेथड क्रिएट? यहाँ पे देखिए हो गया। और यहाँ पे मैं कर दूंगा एसओपी के अंदर, इसी को मैं अभी प्रिंट कर देता हूँ। यहीं पे हम मेन लॉजिक अपना लिखेंगे कि हमें क्या करना है क्लिक होने पे। उसी तरह से यहाँ पे सेव करके ऐसे इसको भी जनरेट कर देंगे हम ऐसे क्रिएट मेथड। सेव, फिर रीसेट के लिए भी मैं ऐसे ही कर दूंगा रीसेट क्रिएट मेथड। यहां पे बन गया मेथड और यहां पे हम रीसेट कर देंगे अपलोड इमेज में। अपलोड इमेज इस नाम से मेथड में बनाऊंगा और यहाँ पे ले जाऊंगा और क्रिएट मेथड पे क्लिक कर दूंगा। यदि ये आपसे मेथड ऐसे जनरेट नहीं होता है तो आप मैनुअली टाइप कर सकते हैं। अपलोड इमेज मैनुअली लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। 12, अब हो सकता है 12 का स्पेलिंग गलत हो तो आप देखना वो सब। मैं यहाँ पे स्पेलिंग पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ कुछ भी। TWL जो भी है, मतलब 10 TN ठीक है। मैं मेथड बना देता हूँ और इसी मेथड के अंदर मेन लॉजिक हम लिखेंगे SOP और यहाँ पे लिख देंगे TN। अब आखिरी बचता है ये, यहाँ पे मेरे को नहीं ना लिखना चाहिए, ये डी छोटा कर देते हैं, ये मेथड है। और इसके अंदर आते हैं, क्रिएट कर देते हैं मेथड और ये यहाँ पे मेथड बन गया नीचे। ऐसे अब मैं आता हूँ यहाँ पे और मैं राइट क्लिक करता हूँ, रन करता हूँ प्रोग्राम। रन करता हूँ, इस पर क्लिक किया तो अपलोड इमेज आ रहा है, इस पर क्लिक किया तो कैटेगरी आ गया, मतलब सारे काम कर रहे हैं ठीक से। 10, 12, सेव, रीसेट, प्रिंट हो रहे हैं बराबर से। बस अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इन सभी मेथड के अंदर, आप समझ रहे हो बात, इन सभी मेथड के अंदर हमें सिर्फ लॉजिक लिखने हैं। अब तो ये सारा कोड आप चाहें तो फोटो वगैरह खींच सकते हैं, ये देख लो आप पाउज करके वीडियो ये ले लो। यहाँ पे मैंने क्या किए हैं, यहाँ पे भी कुछ किए नहीं हैं। यहाँ पे मैंने
सिर्फ इतना ही लाइन का कोड लिखा है मैंने यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं। तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।